सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का हिंदी थर्ड लैंग्वेज का बेस क्लास लेने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को चैप्टर 16 बुच्ची स्कूल जाएगी नामक चैप्टर पढ़ा रही थी। इसमें आप लोगों ने देखा कि ये चैप्टर बाल मजदूरी का विरोध किया गया है। इसमें किस तरह से जो छोटी सी लड़की है बुलबुल, वो अपने घर में काम करने वाली बुच्ची नामक एक लड़की है जिसका काम करना वो विरोध करती है, और अपने घर वालों और अपने काम घर में काम करने वाली जो नौकरानी उसे समझाती है कि उसे अपने बच्चे से काम नहीं करवाना चाहिए, उसे स्कूल में दाखिला करा के पढ़ाई लिखाई करवाना चाहिए जिससे कि उसका भविष्य निर्माण हो। तो आज इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, तो इसके आगे का अध्याय मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। देखिए पेज नंबर 110 निकाले, तो इसमें फिर फर्ज पर इसका इंतज़ाम कौन करेगा। तो इसमें जब उसने जब कहा कि नहीं गुच्चू को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, और उसे घरेलू काम नहीं से, से, से नहीं करवाना चाहिए, उसे स्कूल भेजना चाहिए, जब उसे कहा तो उसने कहा पर इसका इंतज़ाम कौन करेगा। ये ठीक है, इसे गुच्ची की माँ ने कहा कि इसका इंतज़ाम कौन करेगा, इसका इंतज़ाम सरकार कर रही है। तो उसने कहा इसका इंतज़ाम सरकार कर रही है, स्कूल में इसका दाखिला मुफ्त और आसानी से हो जाएगा, स्कूल में इसका दाखिला जो है मुफ्त में हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा, किताबें भी वहीं से मुफ्त मिलेगी, यूनिफॉर्म भी स्कूल से मिलेगी। बुलबुल बोली, बुलबुल ने क्या बोला कि उसका जो दाखिला है सरकारी स्कूल में आसानी से हो जाएगा, किताबें और यूनिफॉर्म भी वहीं से मुफ्त में मिलेगा, दाखिला कौन कराएगा। फिर उसने क्या कहा, दाखिला मेरे पापा करवाएंगे, मैं उनसे कह दूंगी, पर आज से गुच्ची काम नहीं करेगी, बुलबुल ने उत्तर दिया। फिर उसने क्या कहा कि दाखिला जो है मेरे पापा करवाएंगे, मैं उनसे कह दूंगी, लेकिन वो आज से काम नहीं करेगी। शाम को जब पापा घर आए तो बुलबुल ने उससे गुच्ची को स्कूल में दाखिला कराने की बात कही। जब घर शाम को उसके पापा घर आए तो उसने कहा बुलबुल ने उसे अपने पापा से गुच्ची के स्कूल में दाखिला कराने की बात कही, पर गुच्ची है कहाँ, पापा ने पूछा। पापा ने क्या पूछा कि गुच्ची है कहाँ। गुच्ची अपने पापा से पूछने गई है, दादी माँ बोली। तो फिर दादी माँ ने क्या उत्तर दिया है कि गुच्ची अपने पापा से इजाज़त लेने गई है कि वह स्कूल में पढ़ेगी कि नहीं। क्या पूछने गई है, बुलबुल ने पूछा। बुलबुल ने पूछा वो क्या पूछने गई है, यही कि वो स्कूल जाएगी या नहीं। केवल तुम्हारे कहने से तो वो काम को छोड़कर स्कूल चली नहीं जाएगी, उसकी माँ काम छोड़कर उसे उसके बाप के पास ले गई है, दादी माँ ने बताया। दादी माँ ने थोड़ा सा क्रोधित होकर कहा कि सिर्फ तुम्हारे कहने से तो वो स्कूल नहीं जाएगी, वो अपने पापा से पूछने गई है कि वो काम छोड़कर स्कूल जाएगी कि नहीं, उसकी माँ ने तुम्हारे बात सुनकर अपने पापा के पास उसे ले गई है। गुच्ची की माँ अदमे मंजे बर्तन छोड़कर गई तो वापस नहीं लौटी। फिर गुच्ची की माँ जो बुलबुल ने उसे गुच्ची का काम करने का विरोध किया तो वह अधमंजे बर्तनों को छोड़कर वहाँ से चले गई और वो अभी तक नहीं लौटी। गुच्ची के बाप से तो पूछने का क्या बहाना था, एक बहाना था, दादी माँ ने कहा, वो तो अपने ये कह के गई कि वो गुच्ची के पापा से पूछने गई है, लेकिन वो कहती है कि यह उसका एक बहाना था। शाम को बुलबुल अपने पापा को लेकर गुच्ची के घर चली गई। फिर शाम को बुलबुल अपने पापा को लेकर गुच्ची के घर चली गई, उन्हें अपने घर आया देखकर वे लोग सकपका गए। शाम को जब बुलबुल अपने पापा को लेकर घर गई तो गुच्ची के घर वाले गुच्ची और उसके पापा को देखकर सकपका गए, यानी अचंभित हो गए। फिर पेज नंबर 112, बुलबुल ने गुच्ची की माँ से पूछा, तुमने लौटकर जवाब नहीं दिया क्यों। फिर बुलबुल ने अब उसकी माँ से पूछा कि तुमने लौटकर क्यों नहीं जवाब दिया। बुलबुल, गुच्ची स्कूल नहीं जा सकती, उसकी माँ ने कहा था वो स्कूल नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि उसे हमारे साथ काम करना है, उसे पढ़ा लिखा कर हम क्या करेंगे। गुच्ची के माँ ने कहा कि वो स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि उसे हमारे साथ वो अपने साथ काम करवाना चाहती है, और वो कहती है उसे पढ़ा लिखा कर हम क्या करेंगे। अम्मा, तुम गुच्ची के भविष्य की सोचो, सरकार भी कह रही है। फिर उसने कहा कि तुम उसके भविष्य के बारे में सोचो, और सरकार भी कहती है कि लड़की पढ़ाओ और उसे आगे बढ़ाओ। तुम्हें अपने छोटे स्वार्थ के लिए गुच्ची का भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहिए, बुलबुल ने समझाया। बुलबुल ने समझाया कि तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए गुच्ची का भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहिए।
माँ मैं कल से पढ़ने स्कूल जाऊंगी, अब मैं काम नहीं करूँगी। गुच्ची गुच्ची भी बोल उठी कि मैं कल से पढ़ने जाऊंगी, मैं अब काम नहीं करूँगी। शाबाश, अब तुझे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बुलबुल के पापा ने कहा। बुलबुल के पापा ने क्या कहा? शाबाश, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पढ़ने की इच्छा है, अब तुम्हें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब तय हो गया कि कल से गुच्ची स्कूल जाएगी। अब ये तय हो गया कि कल से स्कूल गुच्ची स्कूल जाएगी। तो आप लोग का ये जो है गुच्ची स्कूल जाएगी, ये आप लोग का चैप्टर खत्म हो चुका है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो आज मैं आपको जीवन मूल्य आप लोग को पढ़ाने जाऊंगी। इसमें पहला है आपका तर्कशीलता। इसमें इस कहानी में आपने देखा कि किस तरह बुलबुल अपनी तर्कशीलता के बलबूते पर एक उसे घर में काम करने वाली जो छोटी सी जो लड़की थी गुच्ची, उसे स्कूल में वो दाखिला करवाने में सफल हो जाती है। और वो अपने तर्क के आधार पर उसे अपने घर वालों को अपने काम करने वाले जो उसके घर में जो नौकरानी थी दाई थी उसे वो समझाती है कि बच्चों को बाल मजदूरी करवाना या फिर कोई भी काम करवाना अन्याय है। बच्चों को पहले और पढ़ाई लिखाई करना चाहिए और अपना भविष्य निर्माण करना चाहिए। फिर आपका साहस है दृढ़ता। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह वो साहस है, वो दृढ़ता दिखाती है, किस तरह साहस है अपने बड़ों को वो समझाती है कि बाल मजदूरी करवाना अन्याय है। तो फिर मैं आप लोगों को सबका भविष्य आगे आने वाला समय तो पहला क्या है दाखिला यानी प्रवेश, सत पका जाना घबरा जाना, भविष्य आगे आने वाला समय। तो ये जो है तीन है शब्द का अर्थ ये आप लोग को याद करना है। तो ये गुच्ची नामक गुच्ची स्कूल जाएगी ये नामक आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड जितने स्टडी मटेरियल मैं आप लोग को भेज दूंगी। तो आज मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।